लेसन नंबर 8 अ विजिट टू अ फार्म, इसके सारे एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर होमवर्क ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देके रखा है। आप लोगों को इंग्लिश के नोटबुक में भी करना है और इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में भी करना है, और जो नोट होमवर्क है वो मुझे फ़ोटो निकाल के आप लोगों को मुझे शेयर करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम बहुत पास में ही है, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, जितना हो सके अच्छे से कीजिए। एंड नहीं समझ में आएगा तो जब क्लास होगा वो टाइम पे आप मुझे बता सकते कि मैम ये वाली एक्सरसाइज मुझे फिर से समझाइए, मैं फिर से आपको समझाने के लिए रेडी रहूँगी। अब हम नेक्स्ट वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 9, वो भी मैं एक्सप्लेन क्लास में जब ऑनलाइन क्लास होगी उसमें बताऊंगी, लेकिन अब मैं 9 नंबर का जो लेसन है द कैमल एंड द जैकल, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सारे के सारे एक्सरसाइजेस इसमें ज़्यादा नहीं है तो वो भी दे रही हूँ, इसी एक वीडियो में आपको मिलेगा और होमवर्क भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिए। और सेम वही रहेगा, जितना भी ऑलरेडी यहाँ पे भी हो गया है वो मैं ऐसे नहीं कि बाद में पढ़ाऊँगी, नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में रिवीजन में तो ये सब होता ही रहने वाला है, तो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन और रेगुलरली कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो सच्ची में टीचर ने बहुत मेहनत से बनाया है, उतनी मेहनत से आप लोग लिखोगे, स्टडी करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, तो लाइक भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो मैम को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ नहीं है, आपको ये वीडियो देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है, आपके रिलेटिव को भी ये अगर काम का है तो दिखाना है, देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, देखते रहिए।